Welcome to Scotland, and we are here to discover the beautiful postcard city, its capital, Edinburgh. स्कॉटलैंड के लिए हमारी जर्नी स्टार्ट हुई लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन से. ये वही स्टेशन है जहाँ पे हैरी पॉटर ने प्लेटफॉर्म 9¾ से ट्रेन पकड़ी थी हॉगवर्ट्स के लिए. हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके सामने ही है प्लेटफॉर्म नंबर 9¾. हमने एक सेल्फी भी खिंचा ली. ये है लंदन का सेंट पैनक्रास स्टेशन. अगर आपको याद होगा तो इसी स्टेशन से हैरी पॉटर और रॉन वीजली फ्लाइंग कार से हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं. हमारी ट्रेन बिल्कुल तैयार है, यह हमें 200 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से स्कॉटलैंड पहुंचाएगी. एडिनबरा में हमारा पहला स्टॉप है कैमरा ऑब्स्क्यूरा एंड वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स. Thank you.
ये है स्कॉटलैंड का फर्स्ट 5-स्टार होटल द बैलमोरल। हैरी पॉटर के निर्माता जेके रोलिंग ने अपनी बुक यही फिनिश की थी। मेरे पीछे यहाँ पे जेके रोलिंग्स के हैंड प्रिंट्स। मैं अभी अभी ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड से निकला हूँ। कहा जाता है कि जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टर्स का नाम उस ग्रेवयार्ड के ग्रेव से लिया है। 4-5 लोग हैं लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट है द लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, थॉमस रिडल या टॉम रिडल की ग्रेव। वो उसकी ग्रेव नहीं है, किसी और इंसान की है, लेकिन नाम जो है वो वहाँ से उठाया है। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ ग्रे फ्रायर्स ग्रेवयार्ड में। इसे कहा जाता है ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड और मेरे पीछे है टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट की टॉम। हैरी पॉटर फैंस के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। द बर्थ प्लेस ऑफ हैरी पॉटर नाम से जिसे पहचाना जाता है, द एलिफेंट हाउस, मैंने उसे विजिट करने की कोशिश की लेकिन वो फायर में, एक्चुअली कल रात ही फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका है। Welcome to Diagon Alley. This is the most photographed place in Scotland. It is believed, यहाँ ऐसे माना जाता है, जेके रोलिंग को अपनी इंस्पिरेशन Diagon Alley के लिए इसी स्ट्रीट से मिली थी। अभी मैं खड़ा हूँ 40 विक्टोरिया स्ट्रीट और मेरे पीछे है म्यूजियम कॉन्टेक्स्ट। दैट्स ऑल फोक्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए दिन नए एक्सपीरियंस के साथ। स्कॉटलैंड में अभी और दिन बाकी है। डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।